चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील में धान फसल पर बुरशी जन्य काजड़ी रोग का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे किसान फिर संकट में आया है। चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील में धान फसल पर बुरशीजन्य काजड़ी रोग का प्रादुर्भाव हुआ है। बुरशी नाशक दवाइयों का छिड़काव करने बाद भी रोग पर असर नहीं हुआ। हाथ में आई धान फसल काजड़ी रोग से नष्ट हुई है, जिससे किसान को बड़ा फटका बैठा है। गोंडपिपरी तहसील में बरसात के बाद गोंडपिपरी तहसील में हुई बारिश के कारण किसान पर दोबारा बुआई का संकट मंडराया है। दोबारा बुआई कर बड़ी मेहनत से किसान ने खेती खड़ी की, लेकिन बेमौसम हुई बारिश के कारण खेती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस संकट से किसान अभी तक पूरी तरह से सवरा ही नहीं था, तो खेती फसल पर रोग का बड़े पैमाने पर प्रादुर्भाव हुआ और किसान फिर संकट में आया। गोंडपिपरी तहसील में आने वाले चेक नांद गांव खेत शिवार के धान फसल पर बुरशीजन्य काजड़ी रोग ने आक्रमण किया है। बुरशी नाशक दवाई का छिड़काव करने पर भी रोग पर कोई असर नहीं हुआ। काजड़ी से आधे से ज्यादा अधिक धान फसल नष्ट हुई है, जिससे किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। पावसामुळे धानाची दुबारी पेरणी करून धान रोवणी झालेली आहे, तरी अति पावसामुळे धानाच्या पिकाला 2-3 वेळ फवारणी करून सुद्धा या वर्षी काजळी आणि मानमोळे अशा रोगांना धान ग्रस्त झालेलं आहे। तरी 75% नुकसान धानाचं झालं आहे। तरी शासनानं सर्वे करताना धानाची सर्वे केले नाही की तुमचा धान पडला नाही असे सर्वे करणारे अधिकारी म्हणत होते, तरी शेतकऱ्यांचं 75% नुकसान झालं आहे। तरी शासनानं याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नुकसान भरपाई 75% धानाची देण्यात यावी।